तो गाइस वेलकम है आपका हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें हम देख रहे हैं ऑर्डर इन फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स के हमने काफी सारे ट्यूटोरियल बना लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज राइट साइड में आई बटन पर आ रहा होगा, तो वहां से आप जाकर के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और ये लास्ट ट्यूटोरियल है फ्लैक्स बॉक्स का, तो प्लीज इसे वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान दें कि कैसे आप ऑर्डर इसमें डिसाइड करें। काफी मतलब बढ़िया वीडियो है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल HTML कोड है, आप इन्हें लगा सकते हैं मेटा को, क्योंकि ये ना आपके क्रोम ब्राउजर पर चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि वो विड्थ वगैरह सेट कर लेता है, तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता तो बताना कमेंट करके, मैं और डीपली बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक 5 डिब बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 डिब बनाऊंगा मैं, और जिनकी मैं क्लास रख लेता हूँ यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे सिंपल इसे कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं आज आपको ऑर्डर का मतलब समझाने वाला हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स में ऑर्डर क्या होता है, आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है, और अभी मैं इस फाइल को रन करता हूँ। लाइक तो मैं यहाँ से गया और मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो मेरी है order.html फाइल। तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने CSS नहीं की है, तो यहाँ पे मैंने order.css यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है इससे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट बॉक्स पे CSS ऐड करता हूँ अपनी, तो जिसमें मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रख लेता हूँ लाइक लाइट ब्लू। ठीक है, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, देखिए अभी, क्योंकि हमने ब्रेथ एंड हाइट सेट नहीं किया है। ब्रेथ एंड हाइट सेट कर लेते हैं हम लाइक 100 पिक्सल, एंड हाइट हम सेट कर लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, और ये हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने स्क्रीन है, तो अभी आपको बढ़िया तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मैं थोड़ा इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि इसे बेटर वे में मैं अच्छे तरीके से शो करा पाऊँ। ठीक है, और मैं ले जाता हूँ अभी इस इतना ही लोकेशन पर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जादू क्या होने वाला है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो बॉडी है, इसको मैं क्या बना लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ लाइक कंटेनर। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, कंटेन करके रख रही है हमारे एलिमेंट्स को, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया कंटेनर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फ्लैक्स बॉक्स उस पर यूज होता है जहां पर हम कंटेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट कंटेनर, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, जिससे कि क्या होगा, मेरे जो जितने भी डिव हैं वो मेरे लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कंटेनर ही क्लास दी हुई है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कंटेनर। ठीक है, अभी मैंने दी हुई है इतनी क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, जिससे कि क्या होगा, स्पेस आ जाता है। हालांकि ये देख पा रहे हैं अब आप मेरी स्क्रीन पर, डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ तो देख सकते हैं गाइस अभी क्या है, इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता लाइक, तो अभी आपको डिस्प्ले फ्लैक्स के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ तो अभी स्पेस नहीं आ रहा है ना, तो वो स्पेस का दिखा दे रहा है। ठीक है, तो ये सभी के बीच में स्पेस आ चुका है, देख सकते हैं, तो अब ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नेम दे देता हूँ इनके, 1 2, मतलब कंटेंट पास कर दिया हमने, 4 5। ठीक है, अब इस तरीके से दिखाई देगा आपको, तो अभी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है ऑर्डर, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा आपको बस गो थ्रू करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसका फॉन्ट साइज दे दूंगा लाइक 50 पिक्सल, जैसे कि हमें थोड़ा कंटेंट जो है बड़ा दिखाई दे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसे सेंटर में ला सकते हैं, तो चलिए हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट करते हैं हम यहाँ पे सेंटर। ठीक है, आप देखना यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है, और सेंटर में अभी आएगा क्योंकि अभी हमने पास नहीं किया है, और क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लैक्स नहीं पास किया, इसलिए यहाँ पे अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो हम यहाँ पे फ्लैक्स दे देते हैं। ये जस्टिफाई कंटेंट तभी काम करता है जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब इसे हम बिल्कुल सेंटर में लाएंगे, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, अलाइन आइटम्स, सॉरी अलाइन आइटम्स सेंटर,
तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, देख सकते हैं गाइस आपके सामने सभी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल यहीं पे यूज कर लेता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, और मैं इन सब का कुछ कलर डिफरेंट देता हूँ। इसका दे देता हूँ मैं रेड कलर, और सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, लाइक मैं थर्ड वाले पे दे देता हूँ, थर्ड वाले पे मैं दे देता हूँ लाइक लाइट, सॉरी ग्रीन, ग्रीन येलो दे देता हूँ, जिससे कि आपको ढंग से दिखे, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ रही है। अभी यहाँ पर बात आया थी ऑर्डर का मतलब समझने की, ऑर्डर कैसे यूज किया जाता है। लाइक अब देखिएगा ये जो वन है, वन अभी आपको दिखाई दे रहा है पहले नंबर पर, मैं चाहता हूँ ये ऑर्डर वाइज दिखाई दे, लाइक फाइव वाली जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑर्डर नाम की एक CSS में प्रॉपर्टी होती है वन, और मैं इसे पास करूंगा। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने ऑर्डर जो है यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये ग्रेटर नंबर लेकर के चलता है, देखिए अगर इससे कोई ग्रेटर होता तो ये बाद में आता, मतलब इससे पहले अगर कोई ग्रेटर है ये उससे पहले लगाएगा अपना ऑर्डर वन, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे इसे देता ऑर्डर वन, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, देखिए वो अब ऑर्डर वन पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता इसे ऑर्डर टू, तो देखिए ना यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एक नंबर। तो हम यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे ऑर्डर टू देता हूँ इसे, तो देख सकते हैं ऑर्डर टू पर ही अभी ये, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने कोई बड़ी संख्या नहीं ली है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देते हैं स्टाइल और यहाँ पे पास करते हैं ऑर्डर वन, ठीक है। और ये देख सकते हैं गाइस कि देखिए टू कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑर्डर वन यहाँ पे इसने ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी टू पास किया हुआ है, यहाँ पर हम वन पास करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आप अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स में, कि कैसे हम ऑर्डर सेट कर पा रहे हैं। बट ये है कि अगर आप ऑर्डर वन पास करते हैं तो वो जिस पे आप ऑर्डर वन पास कर रहे हैं वो उससे बड़ी से पहले आता है, मतलब जो उससे पहले होता है डिव उसके बाद में आता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर टू पास करता तो देखिए तो सेम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ग्रेटर है, मतलब उसके नीचे है। तो ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे जीरो पास कर देता हूँ तो ये फिर से अपनी जगह आ जाता है। यहाँ पे आप थ्री भी पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो देख सकते हैं गाइस कि वो तीसरे नंबर पे आ चुका है, मतलब ऐसे चलता रहता है ऑर्डर, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप यूज करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बस इतना ही था, फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। आगे की नेक्स्ट वीडियोज में हम एनिमेशन देखने वाले हैं, बहुत मजेदार लेक्चर है एनिमेशन, काफी लोगों को पसंद आएगा जो भी सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे होंगे CSS के, और कल एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम HTML पूरी कंप्लीट कर देंगे ओनली वन वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ, कल वो वीडियो आ जाएगी और आप वेट करें, उसका आपको जरूर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।